यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में नगर पालिका की स्कूलों की ओर स्कूल से जुड़ी समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी कड़ी में शहर के संभाजीनगर स्थित मराठी शाला नंबर 2 के 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों का शैक्षिक वर्ष खतरे में आ गया है, क्योंकि शिक्षा विभाग की निष्क्रियता के चलते उन्हें शहर के अन्य स्कूलों में 9वीं कक्षा में दाखिला नहीं मिल रहा है। पेशे दिग्रस से संवाददाता जुबैर खान की ये खास रिपोर्ट। पंचायत समिति कार्यालय दिग्रस के द्वार पर बीच रास्ते में बैठे हुए ये मराठी शाला क्रमांक 2 की छात्राएं हैं। इन छात्राओं ने 8वीं कक्षा पास कर ली है, लेकिन उन्हें अब 9वीं कक्षा में प्रवेश नहीं मिल रहा है। इन विद्यार्थियों के अभिभावकों ने शहर की तमाम स्कूलों के चक्कर काटे, लेकिन किसी भी स्कूल ने उन्हें दाखिला नहीं दिया है। इस संदर्भ में मोतीनगर के पूर्व पार्षद सैयद अकरम ने इन छात्राओं के प्रवेश के लिए मोहनाबाई कन्या शाला के मुख्याध्यापक को अर्जी दी थी, लेकिन उन्हें कक्षाएं फुल होने का कारण देकर प्रवेश नहीं दिया गया। सूत्रों ने बताया कि शहर की अन्य सरकारी स्कूलें संस्था चालकों के आदेश पर प्रति विद्यार्थी 5,000 रूपए लेकर छुपे तौर पर प्रवेश दे रही है। वैसे भी दिग्रस शहर में शिक्षा क्षेत्र की दशा किसी से छुपी नहीं है। ये सब जानते हैं कि कुछ कथित शिक्षा सम्राट हैं जो कई तरह की निजी स्कूलें चलाते हैं या कई निजी स्कूलों में वे संचालक मंडल में अपनी पैठ रखते हैं। उनका मराठी माध्यम की उच्च माध्यमिक स्कूलों में भी बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप चलता है। एक तरह से वे सरकारी स्कूलों को नियंत्रित करते हैं। बहरहाल सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी जिन्हें अन्य स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा, उनकी इस समस्या को देखते हुए पूर्व पार्षद सैयद अकरम ने सोमवार को पंचायत समिति कार्यालय के प्रवेश द्वार पर रास्ता रोको आंदोलन किया। इस पूरे मामले में पंचायत समिति के प्रभारी गट विकास अधिकारी रमेश खरोड़े से और शिक्षा विस्तार अधिकारी सुभदा पाटिल मैडम से हमने बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऑन कैमरा कुछ कहने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने संबंधित स्कूलों को प्रवेश नहीं देने का कारण जानकर 9वीं कक्षा में प्रवेश से वंचित छात्राओं की समस्या को हल करने का आश्वासन दिया है। दिग्रस शहर में यूं तो नगर पालिका के कई स्कूलों की दुर्दशा हमने इसके पहले की खबरों में भी बताई है, लेकिन आज यहां पर पंचायत समिति में एक नया मामला सामने आया है और ये मामला भी दिग्रस के शिक्षा विभाग से ही जुड़ा है। यहाँ पर जो बच्चे नगर पालिका की स्कूलों में पढ़ते थे, जहाँ तक उन्होंने अपनी 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर ली थी, वो पास हो चुके थे, लेकिन अब उनको जब 9वीं क्लास में एडमिशन चाहिए तो उनको एडमिशन किसी भी स्कूल में नहीं मिल रहा है। इस बात को लेकर मोतीनगर के पूर्व पार्षद सैयद अकरम ने एक कहे के आंदोलन ही एक तरह से छेड़ दिया है और इन बच्चों की समस्याओं को लेकर वो सामने आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे जो विद्यार्थी हैं और उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर बैठकर अपनी मांगे कर रहे हैं कि उन्हें उनके बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दी जाए। तो इसको लेकर सैयद अकरम ने शिक्षा विभाग को कई सवाल पूछे हैं, तो आइए बात करते हैं सैयद अकरम से। बताइए कि आज जो बच्चों का जो विषय है उनको एडमिशन मिलना चाहिए, इसको लेकर आपने शिक्षा विभाग से क्या कहा और आपको क्या आश्वासन मिला? करीब करीब 15 दिन पहले हमने गट शिक्षण अधिकारी साहब के कार्यालय में इन बच्चों के एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे। उनका यह कहना था कि हम तमाम स्कूलों को एप्लीकेशन दे देंगे, आपके बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे, लेकिन मोनाबा विद्यालय के बच्चों की एडमिशन अभी हुई नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ आंदोलन पर बैठे। तो ये थे सैयद अकरम, पूर्व पार्षद मोतीनगर के। इन्होंने यहाँ पर जो मुद्दा बताया, तो शिक्षा विभाग ने या शिक्षा विस्तार अधिकारी जो मैडम है पाटिल मैडम, उन्होंने जिनको आश्वासन दिया है और उससे इनका समाधान एक तरह से पूरी तरह से नहीं हो पाया है, क्योंकि इन बच्चों की एडमिशन अभी कंफर्म नहीं हो पाई है स्कूलों में। तो यहाँ पर कुल मिला के बात ये है कि ऐसा नहीं है कि ये जो बच्चे हैं इनको एडमिशन नहीं मिल सकती, लेकिन यहाँ पर अगर सबसे बड़ी गलती अगर किसकी नज़र आ रही है तो शिक्षा विभाग की नज़र आ रही है, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया है कि शिक्षा विभाग हमेशा यहाँ की प्राइवेट संस्था जो चलाते हैं, निजी स्कूलें चलाते हैं, उनका वर्चस्व यहाँ की मराठी उर्दू स्कूलों पर दिखाई देता है। और ये जो शिक्षा विभाग है ये कहीं ना कहीं इन निजी स्कूल संस्था के जो चालक मालक हैं, जिनका प्रभाव मराठी स्कूलों पर भी है, उनके आगे घुटने टेका हुआ नजर आ रहा है। दिग्रस से NBCN न्यूज के लिए जुबैर खान।